अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ में हमें अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम किसी फाइल को हाइड करते हैं वो प्रॉपरली हाइड होती नहीं है बल्कि विजिबल रहती है, तो कोई भी बंदा उसको देख सकता है। तो अगर आपकी विंडोज़ में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक फ़ाइल है, मैं इसको हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको हाइड पे चेक मार्क करता हूँ तो ये देखिएगा ये प्रॉपर्ली हाइड नहीं है बल्कि विजिबल है, तो कोई भी बंदा इसको देख सकता है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्गेनाइज के ऊपर ऑप्शन मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है और डोंट शो पे चेक मार्क करके आपको इंटर करना है। तो आप देखेंगे आपकी फ़ाइल जो है वो गायब हो जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अब अगर आप कभी इस फाइल को वापस लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो? तो आपको दोबारा से इस फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे फिर से आपको ऑर्गेनाइज के ऑप्शन पे जाना है, फोल्डर एंड स्क्रीन ऑप्शन है यहाँ पे आना है और शो वाली बटन पे शो हिडन फाइल्स को करना है। तो आपकी फ़ाइल देखेंगे आप शो हो जाएगी। अब आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाके हिडन को भी हटा देना है तो ये प्रॉपरली विजिबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।